राजन राय R3F न्यूज में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 29 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 2 मई को रिजल्ट आने हैं। मैं हूं उदय रामपुर नगला, जिला हापुड़, और यहां पे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो पर जनता के बीच गए और प्रचार भी किया। इस वक्त हमारे साथ है राजकुमार उर्फ पप्पू जी, उदय रामपुर नगला से प्रत्याशी है। आइए जानते हैं, अगर यहाँ की जनता गाँव वासी इनको चुनते हैं तो किन किन मुद्दों पर गांव में काम होगा। सर नमस्कार। सबसे पहले R3F न्यूज को आप अपना परिचय दीजिए। विकास करण है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। राजकुमार। रामकुमार। राजकुमार और प्रधान। गांव का नाम? उदयरामपुर नगला। जिला? हापुड़। जी सर, अगर जनता आपको चुनती है यहाँ से तो किन किन मुद्दों पर गाँव में काम होगा? विकास करेंगे। विकास में क्या क्या बनाएंगे? अच्छा, आपका गला बैठ चुका है मुझे लगता है ना। कोई बात नहीं। बिजली का, सड़क, लाइट, पानी, मतलब जितना की आप चाहते हैं कि गांव में डेवलपमेंट होगा पूरा पूरा, सड़क, सफाई, पानी की टंकी, बिजली। अच्छा, मैं यहाँ नौजवानों से घूम रहा था तो नौजवानों का कहना कि खेल का मैदान गांव में, खेल का मैदान भी बनवाएंगे LMC की जगह लेकर। अच्छा, लेकर क्या है तो वो आपके मैनिफेस्टो में, जनता अगर आपको चुनेगी तो खेल का मैदान मिलेगा। मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ और रूपरेखा बनाई हुई है? हाँ, उनका जैसा टाइम आएगा वैसे हो जाएंगे। अच्छा, तो आप मतलब गांव का जितना डेवलपमेंट होगा वो पूरा होगा ज्यादा से ज्यादा। पेंशन को लेकर लोग नाराज है? पेंशन भी करवाएंगे। मेरी बात में वास्तविकता है, मानते हैं इस बात को? नाराज है? नाराज है। नाराज है? अच्छा, 60 साल के जो वे हैं बुजुर्ग, उनकी पेंशन नहीं। अच्छा, तो वो आप समस्या का समाधान करेंगे? हम करेंगे उस बात का समाधान। अच्छा, गांव की जो सड़कें हैं वहाँ RCC इंटरलॉकिंग सब कुछ होगा? सब कुछ। अच्छा, शिक्षा को आप क्या प्राथमिकता देंगे? ज्यादा 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 से ज्यादा क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा को लाइब्रेरी बनाएंगे। अच्छा, और नए नए टीचर ले आएंगे लाइब्रेरी में। और सफाई को लेके आपने कुछ प्लानिंग की? सफाई के तो हमें स्वीपर मिले हैं, एक कर्मचारी गांव में। अगर आपको जनता चुनती है तो एक ही कर्मचारी आएगा या बढ़ाया जाएगा? और बढ़ाएंगे, 4 रास्ते। अच्छा, R3F न्यूज के माध्यम से रामपुर नगला गांव के वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये मेरे हाथ जोड़कर सभी गाँव ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद। देखिए, ये थे राजकुमार जी। ज्यादा समय मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो वो थके हुए सुबह से, उनका गला भी बैठा हुआ है, लेकिन 100 बात की एक बात निर्णय ये निकल के आता है, अगर जनता उनको चुनेगी तो गांव में जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दे जाए। शिक्षा, सफाई, चिकित्सा, नौजवानों के लिए खेल का मैदान, इन सब पे काम किया जाएगा जनता अगर उनको चुनती है तो। ऐसा राजकुमार जी का कहना है और हम फिर आएंगे और जनता से पूछेंगे क्या वास्तविकता में उन कामों का आगाज हो चुका है, नहीं हो चुका। सर एक बार बताइए, राजकुमार जी का कहना है कि गांव में बहुत सारे काम हो गए, शिक्षा, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा। जी बिल्कुल सर, हमें पूरा उम्मीद। आपको लगता है कि राजकुमार जी इन सब कामों को करेंगे? हमें पूरा उम्मीद है, कि हमें पूरा विश्वास है पूर्ण रूप से कि हमारे जो भी भैया आ रहे हैं, जिन इन्होंने जो वादे करे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो सारे वादे हमारे पूरे होंगे। क्यों होंगे? क्यों अपेक्षा? अपेक्षा इसलिए कि हमारे ये भैया जो है एक ईमानदार हैं, ठीक है जी, और ईमानदार के साथ साथ में जो है एक जिम्मेदार। आपका शुभ नाम सर, आप बताइए। मैं सरोज नागर उर्फ लुक्का। मैं देश को नहीं विदेश को भी कहता हूँ, ठीक। हमारा देश आज तक पीछे क्यों है आप लोगों को पता? कोई एक्टर आ जाएगा, आप उसकी फोटो उतारोगे, छापोगे। कोई बात नहीं, देखिए देखिए लुक्का जी, बहुत बढ़िया लगा लुक्का जी से भी मिलकर, लोकतंत्र। लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ जनता राजकुमार जी को चुनने जा रही है, लेकिन 2 महीने के बाद हम फिर आएंगे और जो आज इन्होंने वादे किए हमारे चैनल पे वो देखेंगे क्या उनका आगाज शुरू हो चुका है या नहीं। नौजवान युवक हमारे साथ है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी क्या अपेक्षा, वो क्या चाहता है कि गांव में क्या होना चाहिए, उससे पूछते। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम देवा गुजर है। देवा गुजर जी, आपका जो उदयरामपुर नगला गांव है जी, अब जो आने वाले प्रत्याशी है जी, जो भी हो, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी चुना जाए, तो उनसे आपको क्या अपेक्षा है? देखो, अभी जो हमारे
इसमें कार्यकाल में जो भी प्रधान चल रहे हैं, जो 5 साल रह चुके हैं, उनको लेकर अगर मैं बात करूं, नहीं हम आने वाले कल की बात, ठीक है, अगर आप कल के बारे में बात कर रहे हो, तो जो हमारे राजकुमार जी हैं, जिनको हमारे गांव ने चुना है, एक हमारा आदर्शपूर्ण गांव है उधरामनगला, जिसमें हमारे भैया को चुना है पूरे गाँव ने, हर सपोर्ट से, मतलब तन से लेकर मन धन तक भैया को सपोर्ट किया है। और गांव ने सपोर्ट इनको क्यों किया है, क्योंकि इन पे विश्वास है, इन्होंने कुछ वादे किए हैं और वो इन वादों के बारे में, वादों पे खरे उतरेंगे। जैसे कि इन्होंने बोला है कि गांव में शिक्षा, शिक्षा में गांव पीछे है, उसको आगे करेंगे। पानी की समस्या है गांव में, टंकी नहीं है, वो टंकी की सुविधा गांव में लेके आएंगे। स्वच्छ जल मिलेगा, शौचालय नहीं है जैसे गांव में, उनके लिए खरे उतरेंगे। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट पे खड़े उतरेंगे। गांव में स्टेडियम नहीं है, उसके लिए उन्होंने बोला उस पे ही खड़े उतरेंगे। और गांव में जो सड़कें हैं, नालियां हैं, उनके लिए इन्होंने जो वादे किए, इन पे भी ये खड़े उतरेंगे। अगर जनता को चुनती है, अगर ये वादे पूरे ना हुए तो, अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो जनता ने इनसे जो विश्वास करके इनको चुना है, फिर वो जनता का इनको चुनना ही बेकार। वादे के लिए इरादे भी होने चाहिए, क्योंकि वादे भी हैं, इरादे भी हैं, और इनके अंदर नेक नियत, शक्तिशील ये एक पुरुष हैं जो है हमारे भैया है राजकुमार जी। तो गांव ने पूरे विश्वास के साथ इनको चुना। मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे गांव ने मेरे भैया को इतना सपोर्ट किया। देखिए, इस लड़के ने घोषणा की है कि उनका कहना है कि जो वादे उन्होंने किए अगर नहीं चुनेगी तो जनता उनके फिर नाराज भी हो सकती, नाराज रही है ना, लेकिन वो इनकी उम्मीद है कि लगभग वादे पूरे होंगे, फिर से होंगे। मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि अगर जनता उनको चुनती है राजकुमार जी को, मैं आऊंगा राजकुमार जी के पास और पूछूंगा क्या प्रजा के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और उम्मीद करता हूँ कि होगा। नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर प्रजा इनके साथ अपोजिट खड़ी होगी ना। देखिए, जो आज इनके, आज जो इनके साथ खड़े हैं, कल वो इनके अपोजिट भी तो खड़े हो सकते हैं। इस लड़के ने मेरी सारी बात का जवाब दे दिया, और इस बात का जवाब मैं 2 मई के बाद आके जनता को, पूरी दुनिया, क्योंकि जो चैनल है पूरी दुनिया देखती है, वादे पूरे होते हैं नहीं होते, सिर्फ वादे होते हैं। वादे पूरे कराना भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बढ़िया, इसके साथ लेके इजाजत, मिलेंगे 2 मई के बाद यहीं इसी जगह राजकुमार जी के साथ, और उस लड़के के पास आके पूछेंगे कि वादे पूरे हुए या नहीं हुए। धन्यवाद।